नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। आजादी का पावन पर्व जेल में बंद दर्जन भर से अधिक कैदियों के लिए रिहाई का पैगाम लेकर आया। उनकी सजा माफ कर जेल से रिहाई की गई। यह सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और उनके अच्छे आचरण को देखकर जेल प्रशासन सजा माफी का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा था। जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 13 कैदियों को रिहा किया गया है। जेल में काम करके उन्होंने जो पारिश्रमिक कमाया था उसे उनके खातों में जमा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के अवसर पर जेल से 13 कैदियों की रिहाई हुई है। इसमें से मौरध्वज पटेल पिता वसुधा पटेल निवासी टीकर थाना गोविंदगढ़, राजन प्रसाद पिता त्रिभुवन प्रसाद निवासी तरिया थाना कमरजी, अजय कुमार दुबे पिता हीरामणि दुबे निवासी देवरी थाना बैढ़न, रामनाथ केवट पिता विष्णु केवट निवासी अकेली थाना अनूपपुर, मिथिलेश विश्वकर्मा पिता बैजनाथ विश्वकर्मा निवासी गुरतारा थाना बुढ़ार, फरीद खान पिता रसीद निवासी पांडव नगर शहडोल, छवि लाल पिता फगुना सिंह गोड़ निवासी सिरखेनी थाना रामपुर नैकिन, अशोक विश्वकर्मा पिता बुढ़ाले विश्वकर्मा व शिव पूजन पिता बुद्धाले विश्वकर्मा निवासी नाउनकला थाना हनुमना, दीपक जायसवाल पिता सिद्ध नारायण जायसवाल निवासी पटहट थाना अतरैला, शेषमणि पिता शिव बालक कुशवाहा निवासी घूमा थाना गढ़, शिवू खान पिता मुश्ताक खान निवासी पांडव नगर शहडोल, छोटे लाल उर्फ फली पिता बुद्ध निवासी पोखरी जिला शहडोल शामिल है। अरे भाई थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा पीछे पाटिल, तू आवाज हो पीछे पाटिल बेटा, पाटिल बेटा है पाटिल हीरा मेरा करीबा हो गया। 203 केस में आया, 302 में। अच्छा, क्या किस पर आरोप लगा था आप पर, कहाँ घटना हुई? मेरा अचानक जाना बीवी की घटना हुई, बीवी का। अच्छा, ये आपका हाथ क्या? हाँ, उसी घटना के दौरान पे मेरा हाथ चला। आपको कोई मारा था? जी नहीं। फिर कैसे करेंगे? ये लाइट से करेंगे। बीवी साहब घटना कैसे हो गई थी? सर पे लोहा लग गया। अच्छा, यहाँ क्या सीखा है आपने जेल के अंदर? ये झाड़ू कमान में ड्यूटी करता हूँ। अब जैसे बाहर जाएंगे तो क्या आगे क्या है? हो गया, दो लड़का एक लड़की है, उन्हीं के सहारे में जीऊँगी। अपने घर में पहले मैं लोहारी गिरी का काम करता था, अब तो विकलांग हो गए, कहाँ करता हूँ। क्या नाम आपका? छोटे लाल और फली सनाबुद दुलाल अगरिया। कहाँ रहने वाले? मैं कुंगरी हूँ, ग्राम का शहडोल जिला। ठीक, द्विवेदी। क्या अपराध का मामला? 302। कब आए थे आप? 2010। कैसे आरोप कैसे लगा था, कैसे जेल लगा? आरोप परिवार वालों ने लगा दिया था। अच्छा, गिर के ख़त्म हो गए परिवार वालों ने। सुनो जरा, क्या सीखा आपने जेल के अंदर? संगीत सीखे। आज रिहा हो रहे हैं जी, अब समाज में क्या समझाएंगे अपने, क्या करेंगे आगे? समाज में जाके जो पहले करते थे पुरोहिती का कार्य, वही करेंगे सर, अभी भी करेंगे जी। अंदर क्या सीखा? कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है भाई। अपराध पे किया था आपने, कौन सा अपराध था, किस तरह का अपराध था, आप कैसा? चलिए बहुत हो गया टाइम। पप्पू पकड़ो, नाम है पकड़ो, सब चलो क्या करो। बहुत राजन प्रसाद द्विवेदी जी। चलोगे? हाँ बिल्कुल, चलिए ना, एक मिनट। 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रिवर्स है 13 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे।
इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिला करके कुल 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन के पास भेजा गया था, जहाँ से राज्य शासन के द्वारा इन सभी कैदियों को रिहाई हेतु पात्र माना गया है। तो इनको सजा में माफ़ी प्रदान करके आज इस पवित्र दिन पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों ने जो भी जेल में रहकर प्रशिक्षण अर्जित किया है उसके तहत ये बाहर अपना रोजगार अर्जित करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हम लोगों ने ये शिक्षा दीक्षा दी हुई है कि बाहर जा कर के पुनः कोई ऐसा अपराध ना करें जिनको फिर से इनको जेल आना पड़े। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिलों के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को, साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग को भी पत्राचार किया है ताकि शासन की जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं तो उन योजनाओं का लाभ कैदियों को भी हमारे प्राप्त हो सके। सर, किन कैदियों को रिहाई के लिए आप लोग रिकमेंड करते हैं और किन को नहीं करते? सरकार ने 22 सितंबर 2022 को जो पॉलिसी बनाई हुई है उस पॉलिसी के तहत पॉक्सो एक्ट है, 376 है, देशद्रोह संबंधित जो भी मामले हैं ऐसे कैदियों को रिहाई हेतु पात्र नहीं माना जाता है। बाकी ऐसे कैदी जो इन शर्तों का, इन मानदंडों का जो शासन ने 22 सितंबर 2022 को पॉलिसी बनाई है उनको पूरा करते हैं उन्हीं कैदियों को रिहाई हेतु पात्र घोषित किया जाता है और फिर राज्य शासन उनको अप्रूवल देती है। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0696-4680-08। सभी क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस के दिन मिलकर यह संकल्प लें कि हम देश की एकता, अखंडता को कायम रखेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित होंगे। साथ ही साथ शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात का भी संकल्प लें कि हम सभी लोग पेड़ लगाएं। आज जिस तरह से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है उसके लिए आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति को, देश के नागरिक को जागरूक होना है और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है, जिससे हमारे देश की जलवायु और पर्यावरण संतुलित रह सके। धन्यवाद। जय हिंद।